हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज तो जो है आपको हम चैप्टर नंबर 15 का क्लास का आंसर देंगे। लिमिट्स में आपका सेशन का नाम ठीक है। इसके पहले जो है आपको पिछले वीडियो में इस सेशन का आपको और मीनिंग समझ गया सकता और क्या क्या टेस्ट उसको और मीनिंग को जो है आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर राइट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। तो बेटा ये लिमिट्स जो है आपका यह पोएम है और इस पोयम का जो है लिमिट्स जो बेटा इसका अर्थ है आपका या फिर केवल जो है इसमें आपको इस केवल आपका जैसे आपको मजाक के लिए नहीं होता है पोयम अपनी मजाक के लिए यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं है ठीक है। इसमें जो है केवल ये आपका टाइप का पोयम है, पोयम का जो है प्रकार है। इसमें केवल जो तो बातें जो है इसमें लिखी गई है इसका कोई मतलब अर्थ नहीं है ठीक है। तो ये लिमिट्स मतलब आपका कि केवल मजाक या हंसी के लिए आपका इसका प्रयोग करके नहीं मिलता है। तो इस पोयम में जो है सेकंड रीडर क्लास इस पोयम करे देयर वाज अ यंग मेड हु आस्क्ड व्हाई कांट लुक इन माय ईयर विथ माय आई ठीक है। जैसे देयर वाज अ यंग मेड जो है जवान नौकरानी, जवान महिला नौकरानी है जो कि क्या करती है व्हाई कैन नॉट लुक इन माय ईयर एंड मतलब हम जो है अपने कान और अपनी आँख से जो है अपने कान को नहीं देख सकते, अपनी आँख से अपनी कान को जो है क्यों नहीं देख सकते। इफ आई गिव माई माइंड टू इट यदि अगर इसमें अपना प्लस माइंड अपना लगा दें ठीक है, माइंड लगा दे तो आई एम श्योर कह रही है कि अगर इसमें हम जो है अपना पूरा माइंड जो है लगाएं, पूरा दिमाग लगाएं तो आई एम श्योर मुझे यकीन है आई कैन डू इट, मैं यह कर सकती हूँ। तो यू नेवर कैन नॉट कैन टिल यू ट्राई, आप जो है बिना इसके कोशिश किए हुए, बिना कोशिश किए हुए आप इसको कभी नहीं, आप बिना कोशिश किए हुए भी इसको आप कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे बेटा अगर आप कोई कितना भी आप अपना टेबल दिमाग लगा ले, लेकिन आप जो है अपनी आंखों से जो है आप अपने कानों को नहीं देख सकते हैं ठीक है। तो इसमें ये जो लिमिट्स में ये जब जो पोयम है इसमें जो है यही सब बातें जो है केवल जो है फालतू आपका जो बात इसमें कहा गया है मिला जाए कई वर्ष मिला जाए ये सब जो है बनता है उसके लिए हमको उसे ये जो बेटा लिमिट करते हैं ठीक है। लिमिट इसका मतलब होता है मखमस ठीक है, मखमस भी इसे कहते हैं, लिमिट इसको क्या कहते हैं मखमस ठीक है। देयर वाज एन ओल्ड मैन, यहाँ पर देखिए क्या क्या सुनने में देयर वाज एन ओल्ड मैन फ्रॉम पेरू, यहाँ पर एक पेरू का जो है पेरू का एक ओल्ड मैन है आदमी है बुरा आदमी है बुरा व्यक्ति है वो ड्रीम वह देख सपना देखता है, वह उसने सपना देखा क्या ही वाज यूजिंग हिज शू कि वह अपना जूता शू मीन्स जूता जो है वह क्या कर रहा है खा रहा था। वो अपने सपने में क्या देख रहा था कि वह अपना जूता जो है खा रहा था, फिगर में देख सकते हैं ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं कि वह अपना जूता खा रहा है। यू को इन द फ्राइट, वह जो भय से जगा, यू इन द फ्राइट वह भय से डर से जग गया। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बिल्कुल मध्य रात्रि बिल्कुल मध्य रात्रि में जो है सपना देखते हुए जगा एंड फाउंड इट वाज परफेक्टली ट्रू, और वो पाया कि ये बिल्कुल सच है। तो यह क्या बेटा हो सकता है आप सपने में देख रहे हैं कि वो अपना जूता खा रहा है बेटा उठेंगे तो क्या वो सपना सच हो सकता है ठीक है। तो यही आपका इसका इसका मतलब कुछ सेंस जो नहीं है, इसीलिए जो है ये आपको इसमें यही सब बातें इसमें आपसे कही गई है कि वह व्यक्ति जो है अपना पेरू का जो है ओल्ड आदमी था वो सपना देख रहा है और उसने वो अपना जूता खा रहा था शूज ईटिंग इज शूज और प्राइट और वो भय से जो है जगह एंड इन दिडिल ऑफ द नाइट, रात के मध्य में मध्यरात्रि में जगह एंड फाउंड इट वो पाया कि बात परफेक्टली ट्रू दिया जो है पूरी तरह से सच है ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता बेटा। इसके बाद प्राय देयर वाज एंड ओल्ड मैन विद अ बियर्ड, और यहाँ पर देखिए एक ओल्ड मैन है विद अ बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, आपको दाढ़ी अपनी लंबी दाढ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक ओल्ड मैन है उसकी जो है लंबी दाढ़ी है और उसने कहा इट इज जस्ट आई बियर्ड, वह जो है वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही पाया, जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही पाया। और टू आउल्स एंड ए हेन, टू आउल्स दो उल्लू और ए हेन एक मुर्गी, फोर लाख लाख मिलता होता है पक्षी, लाख पक्षी है एंड रेन, रेन में होता है छोटा पक्षी जो सिंगिंग करता है गाता है, एक छोटा बच्ची जो है सिंगिंग करता है जो गाता है उसे कहते हैं रेन। हैव ऑल ब्यूल्ड देयर नेस्ट इन माई बियर्ड, इन सभी ने मिल करके मेरे
दाढ़ी में क्या बनाया है, घोंसला बनाया है। इन सभी ने जो है तो उल्टा यहाँ पर क्या यह हो सकता है कि दाढ़ी जो है कितना भी बड़ा हो जाए उसमें आप घोंसला नहीं बना सकते, ठीक है। उसमें कोई बच्ची जो है उसमें घोंसला नहीं बनता। मजाक के लिए करते हैं कि आप जो है इतनी लंबी दाढ़ी रखते हो उसमें तो कोई घोंसला बना सकता है, आप मजाक में ऐसे करते हो तो वहीं बेटा आपका लिमरिश का मतलब यही है। मतलब जो आपका पोएम है या पूरे टाइप ऑफ पोएम उसमें जो है केवल प्रकार कविता का जो है या पोएम का प्रकार है और इसमें जो है कुछ इसका सेंस जो है कुछ नहीं निकलता है। एन ओल्ड बियर एट द जू, एक बूढ़ा भालू जो है जू में चिड़ियाघर में एक बूढ़ा भालू है, कुड ऑलवेज फाइंड समथिंग टू डू, वह जो है हमेशा कुछ कुछ करने के लिए करता रहता है, वह हमेशा कुछ जो है करने के लिए ढूंढता रहता है करता रहता है। व्हेन इट बोर्ड हिम टू गो, जब वो इससे उठ जाता है, जब वो इससे उठ जाता है तो क्या करता है ऑन वॉक टू एंड फ्रो, और तब जब क्या करता है वह ऑन वॉक वो टहलने के लिए इधर उधर जो है क्या करता है वो करता है इधर उधर टहलता है टहलने के लिए जाता है। एंड ही रिवर्स इट, और वो जो वापस आता है ही रिवर्स इट, मतलब वापस जो उल्टा वो क्या करता है फिर वो कुछ नहीं कर पाता है तो इधर घूमने पर क्या आता है वो आप देखे हैं कि वो है उल्टा आता है, ठीक है। एंड वॉक एंड और वहाँ से जो है वह बिल्कुल ठीक जैसे जाता है यहाँ पर घूमने के बाद तो वहाँ से कैसे आता है उल्टा आता है, ठीक है। देर वॉज अ यंग लेडी ऑफ लीन, देर वॉज एक लेडी ऑफ लीन यानी कि एक यंग लेडी एक जवान महिला है, यंग लेडी ऑफ लीन लीन की एक जवान महिला है, वो आज सो अनकॉमनली थी, जो कि बहुत क्या है अनकॉमनली, जितना आप सौ से सके समझ लेते थे उतना वह पतली है, उतनी वह पतली है, ठीक है। अनकॉमनली थी और सामान्य पतली, ठीक है। वॉट वेन सी ऐसे यानी कि जब वह क्या किया यानी कि जब उसने परखा, जब उसने परखा क्या परखा था टू ड्रिंक लेमनेड, जब उसने टू ड्रिंक लेमनेड यानी कि लेमनेड मीन नींबू की जूस, नींबू का पानी जो होता है नींबू पानी उसे बोलते हैं लेमनेड, तो जब वह पीती है तो उसने कहा रहा प्लीज स्लिप थ्रू द स्ट्रॉ एंड फेल की, तो बेटा वह नींबू की जो नींबू पानी पीने के जो आप स्ट्रॉ का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉ का प्रयोग करते हैं जो फ्यूज का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है पानी आपका स्लिप करके फिसल करके कहाँ आता है आपके अंदर चला जाता है, तो उसके पतले मतलब कि वह उतना ही पतली है, कहने मतलब क्या है कि वो लेडी जो है बहुत पतली है। जैसे आप पानी नींबू पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का जो प्रयोग करते हैं उस आपका जो उसको पीने के लिए प्रयोग करते हैं तो उतना पतला जो है वह कह रहा है कि जिसके अंदर से पानी जो है स्लिप करके आपके अंदर चला जाता है वह उतना पतली है। तो क्या है संभव बेटा वह लिमिटेड जो जो स्ट्रा होता है पीने के लिए उतना वो पतली हो सकती है, तो यह बेटा संभव है। तो इसके बाद आपका है देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ नाइजर, एक नाइजर की जो एक यंग लेडी है और महिला है आप देख सकते हैं हु स्माइल एज सी रोड ऑन अ टाइगर, वह जो है क्या कर रही है स्माइल कर रही है मुस्कुरा रही है सी रोड ऑन अ टाइगर, जब वो एक टाइगर पर जो है सवारी करती हुई क्या कर रही है मुस्कुरा रही थी। दे केम बैक फ्रॉम द राइड, वह जो है वापस आई राइड सवारी से जो है उसको टाइगर से सवारी के बाद जो है वह वापस आई, दे केम बैक वे वापस आए दोनों टाइगर एंड गर्ल्स जो चलती थी लेडीज वापस आए विद द लेडी इन साइड, अब जो है लेडी इन साइड जो है अंदर इन साइड मीन अंदर लेडी अंदर गई, लेडी अंदर के साथ जो मुस्कुराई और उसके साथ जो वापस आई एंड द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर, अब जो है क्या है और जो है स्माइल ऑन द फेस यानी फेस पर चेहरे पर के टाइगर के बाघ के चेहरे पर जो है मुस्कान थी, ठीक है बाघ के चेहरे पर क्या थी मुस्कान थी और वह जो है मुस्कुरा रहे थे जो क्या कह रहे थे मुस्कुरा रहे थे जब वो वापस आए, ठीक है। तो यही आपका जो है इस कविता लिमरिक में स्वयं जो आपका लिमरिक है इसमें आपका यही मैसेज आपको बताई गई जिसका कोई मतलब अर्थ नहीं है, केवल यह टाइप का पोएम पोएम का एक प्रकार है जो कि मजे लेने के लिए और आनंद लेने के लिए जो है हंसी मजाक का जो है इसमें आपको ये बताया गया है, ठीक बेटा। इसके बाद जो है आपको हम इसमें कंपेरिजन चेकअप में आपका एक चीज का करेक्ट आंसर ये आप देखिए आपका दिया है टीम का करेक्ट आंसर ए है बेटा करेक्ट एंसर,
ठीक है बैग के अंदर उसमें आपको फर्स्ट तैयार होगा यंग मैन ऑफ टीम द यंग मैन फ्रॉम पेन द यंग मैन फ्रॉम पेरू वाज सिटिंग हियर वाज वह क्या करता वाज इटिंग और खा रहा था हिज इन द ब्लैंक अपना इन इज ड्रीम अपने सपने अपना क्या खा रहा था उसका कितना है तो जो पेरू का जो खुला व्यक्ति था जो है क्या कर रहा था अपना जूता यानी शू कैसे अपने सपने में जो है अपना जूता खा रहा था सेकंड आपका यस ऑफ द रोड बियर यस ऑफ द रोड बियर एंड इन द ब्रांड ठीक है यह वादा नहीं पूरा मालूम था जो कि कहाँ था आप देखेंगे अपने हाउस एट द हाउस अप टू दी एट द स्कूल एट दी एच डब्ल्यू एंड अप टू सी एच का एट द यू एट द ठीक है थर्ड आपका थर्ड आपका द यंग लेडी ऑफ लेडी ऑफ द यंग लेडी ऑफ इन द ब्लैंक वाज अनकॉमनली ब्यूटीफुल वाज अनकॉमनली अनकॉमनली थिन The young lady of in the blank was uncommonly thin. यानी कि जो young lady थी ठीक है जवान महिला जो थी वह काट थी neither thin या thin हुआ मतलब कि neither young lady या neither of to be thin and fragile and एलवाइड वाले लीन एंड आपको सी आपका है स्टेडी आपको सी आपका है स्टेडी बच्चों तो द यंग लेडी एल ए डी वाई डी वाई ठीक है द यंग लेडी ऑफ द बैंक वाज अनकॉमनली थिन ओके कहाँ की थी यंग लेडी जो पत्नी थी असामान्य रूप से पत्नी थी तो अब डाका
लीन की थी, कहा की थी लीन की, इसमें क्या जाएगा एल वाई बने, एल वाई बने आपका, इसे करेक्ट भी आपका ऑप्शन बी करके आंसर होगा, और यहां पे हम एल वाई बोलते हैं ठीक है। ठीक है बच्चों, तो दयान की रेडी आप क्लीन वाज अनकॉमनली क्लीन, ये आपका क्या आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, इसके बाद आपका है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फॉलोइंग वर्ड, ये आपका आपका है कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फॉलोइंग वर्ड, बाय द फॉलोइंग वर्ड, बाय द फॉलोइंग वर्ड, फॉलोइंग आपका है आपका वर्ड दिया गया है, उससे आपको करना है, ठीक है, ये वर्ड दिया गया है, आपको and she wrote and she wrote on a tiger, on a tiger, ठीक है, they came back from the, they came back from the, they came back from the in the land with the in the plan inside, okay, inside 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 not a plan with my mom and the smile on the face of ठीक बेटा, ये दिया हुआ है, इसको जो है आपको इसमें से नॉट में से वर्ड यूज करके पढ़ना है, तो पोएम में देख लेते हैं, पोएम से ही अपना क्या है लास्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा है, देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ स्नाइडर, यंग लेडी ऑफ स्नाइडर हो जाएगा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ देखेंगे तो यहाँ पे आपका सब कुछ मिलेगा कम्प्लीट, ठीक है, लास्ट वाला उसमें होता स्नाइडर एन आई लेडी इनसाइड, ठीक है, विद द लेडी इनसाइड एंड लास्ट आपका एंड द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर, स्माइल ऑन द फेस ऑफ द टाइगर, ये बच्चों, तो इस पोयम जो है आपका लिवरेज जो पोयम था उसका लास्ट स्टेज आप देखेंगे, इसी से यह इन द ब्लैक का था कंप्लीट द सेंटेंस बाय फॉलोइंग वर्ड्स, कंप्लीट वर्ड्स की सहायता से आपको इसको कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना था, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, और बेटा इसके बाद आपका जो है सी, इसके कंप्यूटर चेकअप में सी दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसकी प्रश्न को उत्तर दीजिए, इसमें फोर क्वेश्चन है, इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बच्चों।